तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑफ मिला था मंडे का, तो सोचा आज सैफ विलियम ली से मिल के आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर। तो अभी फिलहाल सर के पास आए थे, सर फिलहाल लेने के लिए आए अपने को। hello, और सर सर कैसे हो सर? हाउ आर यू? बस सर बढ़िया। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे मिलना हुआ है। फिलहाल अभी सर ये देख रहे हो कलनरी आर्ट्स, सर क्या करके मानोगे, चमक रहे हो एकदम। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल अभी आए हैं सर के पास में, तो सर आज अपने को कॉलेज विजिट कराने वाले हैं अपना, तो चलते हैं अभी फिलहाल। College till now in whole of North India. Okay, sir. So today I'll be showing you about our culinary school, how it works, the kitchen, and different labs and classrooms, which you might liked it a lot. Okay, sir. Thank you, sir. So फिलहाल अभी चलते हैं अपना थोड़ा cafeteria की तरफ। तो पहले cafeteria से start करते हैं सर। Cafeteria दिखाओगे पहले मेरे को? काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है फिलहाल तो ये, लेकिन अभी अपना घूम के इधर आए हैं। ये 10 नंबर गेट के पास में पड़ता है ना सर? हाँ। सो हाँ जी, अगेन वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शेफ विलियम ली। सो आई एम टीचिंग पैन एशियन फूड हियर। वी हैव 4 to 5 शेफ्स हु विल बी टीचिंग यू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ फूड, डिफरेंट कुजीन। सो बेसिकली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंट्रीज। आई हैव वर्कड इन सिंगापुर फॉर 7 ईयर्स, देन आई हैव वर्कड इन कुवैत, बहरीन एंड ऑस्ट्रेलिया, and I'm now with Madhav Krishna University, which is in Surajkund Road, Sector 43. So now I'll be showing you the mess hall, the student mess hall of Culinary Arts, which is in gate number 10. So sir, ये girls cafeteria है कि क्या है? हाँ, ये अभी फिलहाल girls cafeteria है। हमारे पास boys cafeteria भी है, वो दूसरे block में है। इवन द बॉयज़ कैन कम सम टाइम, उनका प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। सर्विस प्रैक्टिकल्स कैन बी डन हियर फॉर BSc कोर्सेज एंड कलररी कोर्सेज। सो अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे हम, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे शूटिंग करने की परमिशन मिली है। और फिलहाल अभी अपने को शेफ एक टूर दे रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे अभी सेक्शन है होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के क्लासेस वगैरह चलती हैं, BSc है, बेकरी है। तो ये देख सकते हो ये बेकरी का सेक्शन है। तो सर ये क्या क्या डिश है सर? एज यू कैन सी दीज आर द बेकरी प्रोडक्ट्स। वी हैव कोर्सेज फॉर बेकरी कोर्सेज ऑफ 6 months एंड 12 months। सो ड्यूरिंग दिस होल बेकरी कोर्स यू कैन 5 days अ वीक इज अ प्रैक्टिकल वे यू बी लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स। लाइक यू कैन सी दिस केक, पेस्ट्रीज मेड फ्रॉम कीवी, वन इज द पाइनएप्पल केक, फॉरेस्ट केक, ओके, एंड दिस वन इज यू कैन मेक फॉर बर्थडे केक्स, चॉकलेट केक्स, ओके, डिफरेंट कुकीज यू विल बी लर्निंग। दीज आर वन इज चीज स्ट्रॉ, दिस वन इज ओट्स कुकीज, दिस वन इज ग्रैनोला, ओके, दिस वन इज डिफरेंट वेरियस असॉर्टेड कुकीज। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो हैव अ ड्रिंक ऑफ कॉफी व्हेन एवर यू आर टायर्ड। दिस मेस हॉल इज ऑल मेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल ये जितने भी हैं शायद प्रोडक्ट ये सर सब स्टूडेंट्स सब लाए हैं? यस, स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ अ शेफ। तो अभी देख सकते हो मतलब कि एकदम ऐसे है जैसे एज अ रेस्टोरेंट की तरह ही है, और लग ही नहीं रहा मेरे को तो ये कॉलेज है। तो ओके, दिस वन इज ATK किचन व्हिच इज नोन एज एडवांस्ड ट्रेनिंग किचन, in which you will be learning advanced food meant for 3rd years. It can be meant for first year also. Okay, so you can learn various cuisines. You can see what all equipment we have. You can see now they are making noodles, pasta with students. Okay, then we have salamander, we have salamander for all bracket nation, we have oven which is meant for making pizza, and these are the tools and equipment. We are following professionalism to maintain all hygiene standards. Okay, here we have got ice machine for making ice. Before, after cooking, you have to cool down the product. This one is fridge. We have 2 fridges.
more than that we have. This one is a cooking range, so every student have to cook by himself so that he learn individually. Behind we have got Combi Oven, which is from Rational. Here you'll be cooking new generation chicken. For example, nowadays the tandoor is banned. In this you can learn how to make tandoori chicken, how to make naan, how to make roti, how to make paneer tikka also. सर ये होटल में भी मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होता है ये, जिसमें मतलब कि ऑयली फूड वगैरह काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी हाँ, मतलब ऑयल ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है इसमें, तो बिल्कुल सेम यही होटल में भी है। और फिलहाल ये कॉलेज में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी कॉस्टली होता है सर, काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है ये। दिस वन इज सेलामेंडर नॉर्मल इक्विपमेंट। सो या दिस इज द एजुकेशन किचन। ओके नाउ this is our quantity training kitchen. You can see we have many chefs who are cooking for students. 300 approximate students we have, and we have got three tandoors, we have got griller, then we have got all these working table. It's a fridge. This one is actually a fridge with a working table. Then if you see there, that one is a boiler which we are boiling milk of approximately 300 liters. Next to it you can see it's a barmary. Sorry, it's not a bar, it's a tilting pan where we are cooking for gravies for approximately 300 students and water boiler. Right? So, dekhiye, it is very, very professional kitchen. You will like it a lot. Ab aaiye, dekhiye, you can have a look. Then we have got a griddle and we have got a Chinese section. Okay. The most important part is our guard manja section. So, guard manja means cold. Cold kitchen. The kitchen will be cold. Okay, so all the cold cuts, all the salads are made here. Right, we have got different Robocon machine. You don't have to chop with hand. Now there is advanced machine which is a chopper. It will chop, slice, french fry, different type of cuts will come out. Same goes with this, and that is a blender. Garlic you don't have to chop, you can use the machine to chop ginger and garlic. Sir, ये तो होटल से भी ज़्यादा एकदम छेट है यहाँ पर, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा है ये, तो लेकिन ये मतलब कॉलेज का AC चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हमारा ये सारा सेंट्रलाइज, इट्स अ सेंट्रलाइज एसी किचन एंड इट वर्क्स वेरी वेल विद द स्टूडेंट्स एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट वर्किंग इन अ करेक्ट टेंपरेचर। नेक्स्ट ये दिस इज अ वॉक इन। ओके इन कॉलेजेस दे डोंट हैव वॉक इन, दे हैव गॉट स्मॉल फ्रिज, बट दिस इज अ वॉक इन, इट्स अ वेरी बिग फ्रिज वे एक्चुअली यू कैन एंटर एंड यू कैन हैव अ लुक हाउ बिग इज द फ्रिज। सो वी आर कीपिंग स्टॉक्स, यू कैन सी ऑल दीस स्टॉक्स आर देयर, कैरेट्स, कैप्सिकम, यू कैन हैव अ वॉक। The temperature here is 2 to 4 degrees Celsius. You will feel like you are in Switzerland. These are different coconut waters. We have different whipping cream which is used in bakery. Then we have got eggs. And we have got pesto, pastries and all. Zucchini and all. We have got tomatoes and assorted vegetables. And this is the section of Sarka. Do not touch practical trolley, Chef William Lee. जी सर, जहाँ पे भी जाते हो अपना कब्जा जमा लेते हो पहले से ही है। बढ़िया है सर। वैसे सर यूजुअली मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि एक किसी कॉलेज में वॉकिंग जैसी चीज़ भी होती है, क्योंकि मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंज्यूम होती है। तो मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया था, गया था काफ़ी सारे कॉलेज वगैरह में, तो मैंने ऐसे किसी में भी नहीं देखा कि वॉकिंग तक मिलेगा। सो यहाँ पे हर चीज़ वॉकिंग है, और ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अलाउड है। इसमें कोई दे विल बी नो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ओके वी हैव राइस कमिंग, बासमती राइस फ्रॉम इंडिया गेट, सॉल्ट फ्रॉम टाटा, टमेटो सॉसेज, एवरीथिंग फ्रॉम टॉप्स। ओके सो वी कीप अ स्टॉक, अ पार स्टॉक ऑफ एटलीस्ट 15 डेज। सो ये आपको व्हेनेवर यू टेक एडमिशंस आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज़ अ पार स्टॉक, रीऑर्डर स्टॉक एंड बफर स्टॉक। शेफ ऑफिस, आपका ऑफिस यहाँ पे है? Whenever you have any problem, any issues, any students are most welcome. We have an open door policy, and this is our chef cabin, right? So we'll be sitting here. Obviously, we are doing all sort of recipe preparation and all. We have our chef, which is the director. Hello, of sir. Riyas, which is Chef Vikas Singh. Right? Barbary. This
Equipment is known as Bamari, in which we prepare food for 300 people and we place it here. Okay. तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम उनका जो खाना है, उनका जो लंच है, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायता, देन वी आर प्रोवाइडिंग कर्ड राइस फॉर साउथ इंडियन गर्ल्स एंड नॉर्थ इंडियन गर्ल्स कैन हैव. वी हैव गॉट पीस पुलाव, वी हैव गॉट दाल एंड वी हैव गॉट कढ़ाई. सो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू हाइजीन स्टैंडर्ड एंड वी कीप इट हॉट टिल 60 डिग्री विच इज अकॉर्डिंग टू HACCP स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. देन वी आर प्रोवाइडिंग रोटीज ऑल्सो, टाइप ऑफ रोटीज and three different types of salad, which is cucumber, onions, and we have got black bean salad, right? So this is all the Bamari, and you can see okay, so there is a chef who is in charge of our culinary arts. We are in tie-up with CCI. Okay, you will have international placements. You can go to Switzerland, France, Singapore, and some people with us here. Then we have our partners with Osama Radhi, Mr. Nishant Chobe, and Master Chef, which is Mr. Vicky Rukhani. So the main chef is Chef Kapil Mitta, who is taking care of this hotel management culinary school. Hello, काफ़ी सारी सर के साथ में बातें करने के बाद में पूरा कॉलेज का टूर लेने के बाद में अभी फिलहाल हम खा रहे हैं खाना. सो देख सकते हो और सर एकदम मतलब कि बढ़िया लग रहे हैं सर, एकदम वाइट ड्रेस में, ऑलवेज गुड लुकिंग. सो अभी चलो खैर खाना खाते हैं, अभी आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में. सर से भी थोड़ी और बातें करनी है, जब इतनी दूर आए तो पूरा वसूल करके जाना है अपने को, क्योंकि आज अपना ऑफ है तो आराम से जाएंगे घर पर, कोई टेंशन नहीं है. और चलते फिलहाल खाना खाते हैं. सर अभी मेरे को सी ऑफ करने के लिए आए थे और सच अ ग्रेट टाइम विद यू सर. सो मेरा हॉलीडे एकदम अच्छा गया आज. सो फिलहाल ये है मानव रचना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कलनरी आर्ट्स. अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कलनरी आर्ट्स पे, और मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही मैं आप फ्री हूँगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा. फिलहाल ये कुछ ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, और ये है डेंटल का है बिल्डिंग, और ये MBA की है. सो ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एकदम पहाड़ी इलाका है ये. सो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके. सो मिलते हैं फिर, कभी आऊँगा मैं दोबारा से. सो अभी चलते हैं फिलहाल अपना घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया अपने को, और फिलहाल चलते हैं. कल 10 बजे की शिफ्ट है अपनी, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.